तो so, ये है एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा जो की काफी क्लोज है एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा और एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा से एंड एस ट्वेंटी वन अल्ट्रा से नहीं इससे क्लोज नहीं होता ऑल्दो ये फोन काफी प्राइस इंक्रीमेंट के साथ लॉन्च हुआ है बट ये फ्लैगशिप मार्केट में नए रिकॉर्ड के साथ आया लाइक like, बैटरी परफॉर्मेंस बढ़ी है प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस बढ़ी है और ब्राइटनेस वगैरह जैसी चीज भी काफी ज्यादा बढ़ी है ए आई पैकेज डेली यूजेज में काम आता है मतलब मैंने भी नहीं सोचा था बट इट इज यूजफुल बाय द वे बहुत ही खराब रिपोर्ट है मेरे वीडियो जितने लोग देखते हैं उसमें से नाइन्टी नाइन परसेंट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत सेल्फिश लोग है बट यू डोंट बी सेल्फिश तो इस बार इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम

स्क्रीन को टाइटेनियम ने तो यार कवर कर ही लिया सर। तो पे एस पे यूज हो रहा है साइड से द रीजन ये भी है की सैमसंग ने फ्लैट स्क्रीन रखा है इस बार फ्लैट स्क्रीन की वजह से इसके सर्फेस पे आप स्टाइलिस रखोगे तो वो एज से इसके गिरेगा नहीं होता यार माइनर डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ता है यार को और तो पिछले बार की तरह कवर यूज कर लेते तो भी वो कोई इशू होता नहीं बट ओके एंड आई डोंट नो बहुत लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस फोन में बट इसके बैक पे मुझे थोड़ा बहुत रूअल टोन फील हुआ रिफ्लेक्शन के वक्त और चूंकि इसका एज अब भी काफी शार्प हो चुका है तो लंबे समय तक यूज करने पे अड़ता है आपके हाथ पे अनलेस कवर लगा लो कवर्स कैन बी Soft, और सैमसंग के मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग फोर्टी टू परसेंट रेजल्ट कम हो चुके हैं इस बार तो हाँ डेप्थ तो है स्क्रीन में और मेरे को मेनली बॉटम पे ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा के कम्पेरिजन में बाकी बेजल्स काफी हद तक सेम ही है और बस यार एसपेन से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है की मुझे लगा एक्स्ट्रा कुछ ये एड करने वाला है क्योंकि अल्ट्रा का ये एसपेन ही फीचर है जो की इसको डिफरेंट बनाता है बाकी वेरियंट से, यूसेज में बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला बट काफी हद तक लोग यूज करेंगे ये वाला कलर वेरियंट काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है जब इसे आप बोर हो जाओ तो काफी ज्यादा नई केसेस भी लॉन्च हुए You can try them after it. में तो काम किया प्लस डिस्प्ले मोर देन एडिक्एट है जो है टू एक्स डिस्प्ले है डिटेल्स में काफी ज्यादा बढ़िया इतने पैसे खर्चे करोगे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं सैमसंग ने इस बार और फोर के वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है इसके साथ भाई इस बेडशीट में कुछ डिस्प्ले टेस्ट के रिजल्ट है और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि से इस बार इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है इन्होंने क्लेम किया था और हमने भी जब एसडीआर करके टेस्ट किया तो ये थर्टीन तक ही जा रहा है बट एसडीआर कॉन्टेंट और ये नंबर बहुत बढ़िया है डायरेक्ट सनलाइट में भी यूट्यूब देखते हो या फिर गेम्स तक खेलते हो मैंने नहीं फेस किया का सपोर्ट है जो की यार स्टैंडर्ड है काफी ज्यादा आज के डेट में मतलब यार वन देते तो खराब नहीं होता और ये सैमसंग का पहला फोन है जिसमें इन्होंने गोरेला ग्लास का आर्मर वर्जन यूज किया है तो सैमसंग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग तो यार ये ज्यादा ड्यूरेबल तो है इस बार और इसके वजह से स्क्रीन ग्लेयर भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है कम होने में और ये खुद फोन चलाओगे तो आपको फील नहीं होगा बट दूसरे फोन के कम्पेरिजन में जो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा की बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है सैमसंग डिस्प्ले में इस बार और इस चीज को लेकर मैं काफी वेल अवेर हूँ सैमसंग नए लॉन्च के साथ बहुत ही यूनिक फीचर डालता ही अपने फोन में आई डोट नो आपको याद होगा की सैमसंग का टिकर डिस्प्ले आई थिंक नहीं याद होगा क्योंकि इनके काफी यूनिक फीचर बहुत ही फॉरगेटेबल हो जाता है टाइम के गूगल के साथ इन्होंने तो क्वेश्चन कर कौन रहा है पच्चीस तक प्रोवाइड करे सबको उसके बाद शायद अबाउट सर्कल टू सर्च दुनिया में बाकी लोगों की तरह मुझे भी तो इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट वगैरह दिखता है तो बार बार उसे क्रोम पे जाके खोजना बहुत ही इरिटेटिंग लगता है तो सर्कल टू सर्च इसको काफी सोल्व कर दे रहा है आपको लॉन्ग प्रेस करके अपना होम बटन होल्ड करना है और ये फीचर इनिशिएट हो जाएगा मैंने फिंगर से ही प्रोसीड करके देखा और ये उसी एप के ऊपर सर्च रिजल्ट पेज ऑप अप कर देता है एक ओवर लेके तरह और बेस्ट पार्ट ये की मुझे उस ऐप को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है प्लस ये सारे ही एप्स में काम करता है भाई और मैंने ट्राई किया कि मैं काफी अजीबो गरीब चीजों पे ट्राई करूं और ज्यादातर चीजों पे काम करता है बहुत इजीली Now let's talk about chat assist. ये AI आई बिल्टन फीचर है Samsung के की में ही और ये आपको एक मैसेज सही टोन के साथ क्राफ्ट करने में हेल्प करता है मतलब ऐसा समझो कि ये असिस्टेंट की तरह जो की आपको प्रोफेशनल वे में भी चैट करने में हेल्प करेगा और कैजुअल वे में भी लाइक जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे पोएटिक वर्जन लिरिकल वर्जन जो की काफी इंटरेस्टिंग है बट ज्यादा यूज नहीं होगा मेरे हिसाब से ये फीचर अब बात करते हैं लाइव ट्रांसलेट के बारे में ये कॉल पे एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा को एक ट्रांसलेटर में कन्वर्ट कर देता है और आप इसे थर्टीन डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकते हो ये लाइव ट्रांसलेट कर रहा है और ज्यादा डिले नहीं हो रहा हैं ट्रांसलेन पर एक मैं किसी को जानता हूँ जो कि की चाइना के क्लाइंट से बात कर रहे हैं एस ट्वेंटी फोर अल्ट्राइज करके और इसका ए आई बहुत सही काम कर रहा है उनके लिए पर इसमें ये थोड़ा सा इशू जरूर आएगा आप ज्यादा ही अगर कैजुअली बात करोगे लैंग्वेज में तो शायद कन्वर्ट करने में इसको इशू होगा से स्लाइडेंसी इशू है इसमें बट यार रुदना एक्सपेक्टेड है आप ज्यादा तेजी में नहीं बात कर सकते सामने वाले से क्योंकि ए आई को यार टाइम चाहिए समझने के लिए आप क्या बोल रहे हो एक्जैक्टली परफेक्ट नहीं है बट स्टिल यूजेबल है और ये आई आप थर्ड पार्टी एप्स में भी यूज कर

में लिख देता है जैसे कि की किसी पर्सनल सेक्रेटरी ने लिखा हो अगला ए आई है, है और अलग अलग स्पीकर को लेबल भी करता है उसी के साथ मीटिंग्स और इंटरव्यूज करते रहते हैं उनके लिए काफी ज्यादा सही टूल है तो मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसके रिकॉर्डर के साथ सामने वाले क्या बोल रहे थे और सारी बातें मैं टाइप करूँ वो इसका एआई लिख के आपको दे देगा हाँ कई बार वर्ड गलत भी हो सकते हैं तो वही ये वगैरह आप खत्म

खास नहीं हुआ, बट सीन्स में काफी आई कैची फोटोज ले लेता है और काफी कलर्स वाइब्रेंट फील हो रहे बैकग्राउंड ब्लड भी ज्यादा इंटेंसिफाइड फील होता है इस बार आई फोन फिफ्टीन प्रो मैक्स कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ कॉल है क्योंकि एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा के पिक्चर्स ज्यादा कॉन्ट्रास्टी है उसके कंपेरिजन में बट आई फोन और ब्लरिंग इफेक्ट को लेकर ज्यादा रियलिस्टिक है थोड़ा और माइक्रोल जिसमें दिया तो गया है बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है काफी ज्यादा इफेक्ट इसका स्टाइलिश काफी लगता है इसका जो की 15 प्रो डिटेल्स ज्यादा आते हैं इसके कम्पेरिजन में इसके भी बढ़िया है डाइट बोर्ड में मैं बड़े होने की वजह से इस बार ज्यादा से ज्यादा लाइट को सेंसर में आने में हेल्प करता है और इस बार के पिक्चर्स पिछले बार के ब्राइटर है एस ट्वेंटी फोर इस बार डिटेल्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है अब थोड़ा जूम लेंसेज पे आ सकते हैं इस फोटो को मैंने फाइव पे कैप्चर किया था और वार्मर कलर टेम्परेचर थोड़ा रख रहा है इस बार और ओवरऑल थोड़ा ज्यादा ब्राइट कॉम्पोजिशन है ये फोटो मैंने टेन एक्स जूम पे लिया प्रोसेसिंग वगैरह थ्रू ये मैच करना चार है जूम एस ट्वेंटी थ्री क्लोज है बट सरप्राइजिंगली एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा का डिटेल ज्यादा बेटर रहता था बट इमेज को एक अच्छा और क्लीन लुक देने में एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा आ गया चाहे वो बहुत रियल लगे या ना लगे और ये मुझे तब फील हुआ जब मैंने हंड्रेड एक्स करके इमेजेस लिए रिकॉर्डिंग की बात करू तो इसका फाइव एक्स टेलीफोटो जूम पे काफी सही डिटेल्स ये कैमरा कैप्चर कर लेता है जूमिंग परफॉर्मेंस के अलावा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफरेंस है अगर आप फोर के थर्टी एफ पी स्पेस पे शूट करो और इसके पिछले प्रोसेसर पे एज अ डिजिटल क्रिएटर इसके मैनुअल कंट्रोल्स मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगे ये वन ऑफ द फ्यू फोन प्लेन ट पर जो 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है ऑल दो कोई देख रहे मोड पे भी मैंने शूट किया प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है बट यूजफुल तो है यार। और इसके फ्रंट कैमरा का साइज पहले के मॉडल से रिस्पेक्टिवली काफी छोटा है और ट्वेल्व मेगा के साथ आता है फिक्स फोकस के साथ और ये ज्यादा आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स है और वन ऑफ द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट्स इसमें यह है कि इसमें फोटो एडिटिंग ए भी इन्होंने दे रखा है और सबसे पहला इसमें फीचर है एडिट सजेशन एडिट सजेशन सबसे पहले तो जो आपने कैप्चर किया उसको इमेज को लेता है और पॉसिबल एडिट्स पे सजेशंस होते हैं

एफ एज फील लाइक वन ट्वेंटी एफ पेट दिन स्लो एस ट्वेंटी और आई बिल्टन बी एज यू नो मल्टी कोल्ट्रा का ये चिप ए सेवन प्रो के भी चिप को बीट कर रहा है course, बहुत बड़े मार्जिन कोरोस्ट में प्रोज बैठा मैं जो भी इंटरेक्शन पे कर रहा हूँ स्नैप ड्रेगन एट थ्री का परफॉर्मेंस वहां पर दिख रहा है एप्स के बीच में स्वच करने मेंस फील है और ज्यादा इंप्रेसिव बात तो ये इस फोन का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है

आपको फीचर कर रहा है वो दुगने साइज का एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा में और हाई एडिटिंग सॉफ्टवेयर से अगर आपको तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है पिछले बार के कम्पेरिजन में भी था बट आपको इस बार में देखने को मिल रही है तो नोटिस किया है कि बैटरी परसेंटेज बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है, know, है या कुछ और लाइक नॉर्मल कैमरा अभी पंद्रह से बीस मिनट में पांच से छह परसेंट ड्रॉप देखा है मैं थोड़ा पावर यूजर हूँ फोन का बैटरी वगैरह वैसे तो देखता नहीं तो मैं प्रोसेसर से बहुत खुश हूँ और पूरा दिन ये फोन नॉर्मल यूजेज पे बहुत ज्यादा इजिली चल जाएगा अब गेमिंग करते रहते हो रेगुलरली तो पूरा दिन तो नहीं चलने वाला आपको स्टिल फोर्टी फाइव वोट का वायर चार्जिंग मिलेगा जो की फोन को 70 तक पहुंचाने में 30 ले लेता इज वैसे क्योंकि बेटर यार बीस वोट का एप्पल चार्जर है बट आई थिंक सैमसंग को इसमें भी अपग्रेडेशन लाना चाहिए था मतलब वायरलेस चार्जिंग में फिफ्टी वोट का बूस्ट दे सकते थे इस बार और सैमसंग ने इस बार ए पे ज्यादा फोकस किया बट लॉन्च के साथ वन यू आई सिक्स पॉइंट वन के साथ आता इस बार बहुत ही माइनर विजुअल चेंजेस दिए गए हैं इसका ए आई जनरेटेड वॉलपेपर मतलब प्रोडक्टिविटी को कैटर करने के लिए प्रोडक्टिव टूल है बट मैं वो एसपेन और सामसंग डेस्क ज्यादा इंप्रूवमेंट छा रहा था प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा एलिगेंट लुकिंग इंटरफेस नहीं है और सॉफ्टवेयर वाइज मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इंटरफेस काफी ज्यादा वे में इन्होंने प्रोड्यूस किया इस बार और इसके विजेट्स भी मेरे को बहुत ज्यादा सही लगते हैं काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको इसमें सबसे तगड़ी बात तो इन्होंने सात साल का सिक्योरिटी अपडेट और ओ अपडेट करने का वादा कर रखा है और कुछ ही टाइम पहले लोगों ने इशू फेस करना स्टार्ट किया, फेब में मेनली सबने नोटिस किया चीज इस फोन पे मोरा इफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि लो ब्राइटनेस पे एक अलग सा ग्रेडियंट जैसा आपको दिखते लगता है स्क्रीन पे जो की काफी नोटिसेबल है यार और इन सब चीजों को हटा के बात करे तो सैमसंग ने इस बार सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट प्रोसेसर और बैटरी बैकअप पे किया है भाई और मेरे लिए तो एक ही फैक्टर से जब मुझे फोन खरीदना हो एज अ टेक यूट्यूबर मेरे को नहीं रहना सो लाइफ के तीन रूल्स फॉलो करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वन ऑफ द बेस्ट मेड सेगमेंट फोन का रिव्यू वीडियो देखना ये देखो एंड बाय